अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। घर का चप्पा चप्पा छान मारो। क्या बात है सर? पता चल जाएगा अभी। साहब, ये बरामद हुआ अंदर से। गांजा, हीरोइन, तो ये काम करता है आपका बेटा? ये सब झूठ है। जानता हूं मैं, लेकिन उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है ना। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने सपना देखा है पुलिस अफसर बनने का। वो तो उसका सपना ही रह जाएगा माँ जी। ऐसी जिल्लत की जिंदगी दूंगा उसे मैं? ये उसके सर्टिफिकेट्स। जो आदमी पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से ये सर्टिफिकेट्स ला सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है, है कि नहीं? यकीन नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत। मेरे बेटे का, मेरे बेटे का, प्लीज, 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 लाइए, मुझे दे दीजिए, मत कीजिए ऐसा। मत चलाओ। तुम्हारा बेटा वापस आ जाए तो उसे कह देना कि चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना नमूना तो तुम लोगों ने देख ही लिया। आराम से रंजू, देख एक एक पैर देख के रख। हाँ, इसको संभाल के रख। हाँ, आराम से। हाँ भैया। अरे तू समझती नहीं है, डॉक्टर ने बताया ना क्या बोला था, बिल्कुल संभाल के। अरे अरे धीरे धीरे धीरे, आराम से। तेरे लिए एक ग्लास पानी लाता हूँ। अरे माँ, एक ग्लास पानी ला। अरे माँ क्या हुआ? हाँ, बाबूजी ने कुछ कहा क्या? बाबूजी, माँ ये क्या है बाबूजी? बाबूजी यहाँ क्या हुआ? बेटे, इंस्पेक्टर शंकर यहाँ आया था, उसने तेरे सर्टिफिकेट, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बेटे, पर तेरे बाबूजी को मारा। सरस्वती, उदय वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटा। तू अपने पुलिस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ दे, ये लड़ाई और आगे मत बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम आम लोग हैं, वो अपनी वर्दी का जब चाहे जैसे चाहे फायदा उठाए, हमारी इज्जत को पैरों तले कुचल दे और हम चुप बैठे। क्यों? हम कोई रास्ते पे पड़ा हुआ कचरा नहीं है बाबूजी। बेटा, बाबूजी इस मां ने एक नपुंसक को नहीं जना है। बाबूजी उसने यहां नहीं, यहां वार किया है, और अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे रोकने के बजाय आशीर्वाद दीजिए, कल सूर्योदय होगा। शंकर कहाँ है? साहेब वड़ा लगे हैं, दलितों की मीटिंग चल रही है उसके बंदोबस्त के लिए, पर तू कौन है? उसका बाप। गर्मी है ना सर, मीटिंग कर रहे हैं। कर चुके हैं, क्या कारण है? हमें दूसरों को नीचा दिखाना है क्या? हमें अन्य देशों को ये दिखाना क्या है कि देखो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का पालन करने वाले देश में अपने ही लोगों पर बाप का राज समझते हैं। रीका माल है क्या? चले आते हैं। नहीं, यस सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल इन मोड़ाला सर। साहब क्या हम गलत हैं? क्या हमारी
आइए सर। क्या हम दूसरे हिंदुस्तानियों से अलग हैं? क्या सोचा था? क्या इस देश का संविधान पुलिस ऑफिसर बनेगा? हिंदुस्तानियों की तरह हम पर लागू? मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा तू? तुझे माँ और बाबूजी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शुक्र कर तुझको अनाथ नहीं किया। क्या कर लेगा तू? साले बीच में गोली मार दूंगा। क्या घूर क्या रहा है? क्या घूर रहा है? साले शिंदे साहब जीप में डाल दो इसको। हो साहब। ये पुलिस वाला हमारी जात और हमारे नेता को गाली देता है। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे को छोटी जात का कीड़ा बोल के लॉकअप में डालने की धमकी देता है। आपने जात वाले को लॉकअप में डालने की धमकी देता है? चलो पूछ रहा था ना क्या कर सकता हूँ। अब देख आज हम लोग इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा पुलिस होने का फायदा नहीं उठाएगा। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। तुम भी क्या जरूरत थी तेरे को उन लोग की मीटिंग में उनके लीडर की उनकी जात की बुराई करने की? मैं तेरे को उधर भेजा बंदोबस्त के लिए और तू खुद उधर पे झगड़ा करके आए। तेरे को पता है उन लोग का पार्टी इस इलेक्शन में मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। देख शंकर, उदय के साथ तू आपस का झगड़ा इलेक्शन के बाद निपटाने का, समझा ना? वरना अगली बार मैं तेरे को सस्पेंड होने से नहीं बचाएगा, समझा? अच्छा माँ जी, चलती हूँ। जीती रहो बेटी। बाय भाभी। अच्छा बाबू जी। खुश रहो बेटा। उदय माँ बाबूजी का ख्याल रखना, मैं कावेरी को छोड़ के आता हूँ। चलो कावेरी। भाग ले तू। बाबूजी मैं थोड़ा चलो। गया रे गया, तू गया। अभी हम दोनों के लिए मुझे ही पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। काय काय? हाँ?